नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी बेरोजगारी पर मोदी के मंत्री के बेतुके बयान की, आर्थिक मंदी पर गडकरी के इकरार की, जानेंगे कि क्या कर्नाटक में खत्म हो जाएगी JDS, क्या आरक्षण कार्ड देगा हाथ को ताकत, और आखिर में बात मोदी राज में बैंकिंग सेक्टर पर लगे ब्रेक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में मंथन। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले बोले, हमने की है 10 सीटों की मांग। गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी वाले बयान पर अब भी नहीं थम रही सियासत। केरल के सीएम पिनराई विजयन बोले, हिंदी ही देश को एकजुट कर सकती है, ये धारणा गलत है। शिवपाल की कमजोरी में खुद की मजबूती देख रही है अखिलेश की समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवपाल को कमजोर कर यादव वोट बैंक को फिर अपनी तरफ खींचेगी सपा। ICICI बैंक के ग्राहकों को लगा झटका, जीरो बैलेंस वाले खाता धारकों को अपनी ब्रांच से नकद निकासी पर चुकाने होंगे 100 रूपए से 125 रूपए। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने जीता वियतनाम ओपन का खिताब। चीनी शटलर को दी मात, 1 घंटे 12 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले को सौरभ ने 21-12, 17-21, 21-14 से जीता। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आर्थिक नीति को लेकर घिरी मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा कि हालात सुधारे तो सुधारे कैसे। हालात सुधारने के चक्कर में मंत्री उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणी की है। देश में आनंद ही आनंद है, नौकरी ही नौकरी है, हर तरफ रोजगार ही रोजगार है। सुनकर चौंक गए ना आप कि भला आर्थिक मंदी के इस दौर में, जहां काम मंदी की वजह से लोग घर बैठने को मजबूर हैं, ऐसे में आखिर कहां है नौकरी और कहां है रोजगार। मगर हमारे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी का तो मानना है कि आज देश में नौकरियां अपार है, मगर उत्तर भारतीयों में योग्यता का अभाव है। दरअसल मंत्री जी बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर अपनी सरकार का बचाव कर रहे थे, मगर इस दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर अब संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस से लेकर सपा और आरजेडी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मंत्री जी 5 साल से ज्यादा आपकी सरकार है, नौकरियां पैदा नहीं हुई, जो नौकरियां थी वो सरकार द्वारा लाई आर्थिक मंदी के चलते छिन रही है। नौजवान रास्ता देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे, आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। प्रियंका के सुर में सुर मिलाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गंगवार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार उलझन में है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, नोटबंदी से आतंकवाद, भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ है, GST से व्यापार चौपट हो गया और सरकार चाहती है कि देश के युवा पकौड़े तले। कांग्रेस और सपा ने जहां गंगवार के सहारे सरकार की घेराबंदी की, तो वहीं आरजेडी ने तो गंगवार से माफी की मांग कर डाली है। वहीं अब विपक्ष की मांग पर गंगवार कोई सफाई देते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मोदी सरकार अपनी कामयाबी का ढोल तो जोर शोर से पीटती है, लेकिन अपनी नाकामी को नहीं मानती। संतोष गंगवार का बेरोजगारी पर दिया बयान इसका ताजा तरीन उदाहरण है। लेकिन मोदी सरकार में ही एक मंत्री ऐसे हैं जो मंदी भी मानते हैं और सरकार की कमजोरी भी। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक मंदी को स्वीकार कर सरकार के बहाने बेकार कर दिए हैं। देश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में आज GDP की रफ्तार क्या है, ये किसी से छिपी नहीं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे इत्तेफाक नहीं रखती, तभी तो कहती हैं कि स्थिति काबू में है। लेकिन अब तो मोदी के मंत्री मानने लगे हैं कि सुस्ती है, मोदी राज में अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। जी हाँ, सरकार की नाकामी को मानने वाले ये कोई विरोधी नहीं, बल्कि मोदी सरकार के बेबाक मंत्री नितिन गडकरी हैं। विदर्भ उद्योग संघ के 65वें स्थापना दिवस पर उन्होंने गिरती विकास दर पर चिंता जताते हुए कहा कि देश की ऑटो इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ महीनों से ऑटो सेक्टर में काफी मंदी है, जिससे गाड़ियों की बिक्री में कमी आई है। मंदी से परेशान कंपनियां लगातार उत्पादन में कटौती, काम के घंटे कम करने जैसे उपाय करने में लगी है। कई और सेक्टर्स भी इस मंदी का शिकार हो रहे हैं। हमें पता है कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी आप सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं, यही जीवन चक्र है। नितिन गडकरी का यह बयान जनता के लिए बड़ी सहानुभूति है, जो इस वक्त मोदी सरकार की बेरुखी से खासी परेशान है।
क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंदी को मानने से ही इनकार कर चुकी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो इसका ठीकरा भी ओला उबर पर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि आजकल लोगों की सोच बदल गई है, वो गाड़ियाँ खरीदने की जगह ओला उबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से ऑटो सेक्टर में निराशा बनी हुई है। वित्त मंत्री के इस बयान से साफ था कि वो केवल बहाना ढूंढ रही हैं, लेकिन गडकरी का बयान सुनकर ऐसा लगता है कि चलो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई तो ऐसा मंत्री है जो ये मानता है कि हाँ सरकार की नाकामी से अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन कभी खुशी कभी गम है। अब इस बयान से विपक्ष को कितनी खुशी और बीजेपी को कितना गम मिलता है ये देखना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कभी कभी ऐसा बयान दे जाते हैं जो सरकार की गले की फांस बन जाते हैं। जाहिर है कि अब आर्थिक मंदी पर गडकरी का इकरारनामा भी सरकार के गले नहीं उतरेगा, इस पर भी सियासत गरमानी तय है। वैसे अभी तो सियासत बिहार की गरमा रही है, जहां बीजेपी और जेडीयू में जारी तकरार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुटकी ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जब से नीतीश कुमार ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया है, सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। नीतीश के कैंपेन से विपक्ष में तो खलबली मची ही, मगर सहयोगी बीजेपी भी बेचैन हो उठी। पार्टी नेताओं ने तो नीतीश कुमार को राज्य से बाहर केंद्र जाने की नसीहत दे डाली। इसके बाद से ही दोनों सहयोगियों में सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे लेकर अब सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीति सिद्धांत और विचारधारा नहीं है। हमेशा जुबानी खर्च में कहते रहे कि हम ट्रिपल तलाक 370 का विरोध करेंगे, लेकिन संसद में वोटिंग के समय बीजेपी की मदद की। उन्होंने सदैव हमें गठबंधन दलों और बीजेपी को धोखा दिया है। कुर्सी ही उनका पहला और अंतिम विचार है। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, माननीय नीतीश कुमार जी की अपनी कोई ताकत नहीं। आज तक ना सिर्फ अकेले चुनाव लड़ा और ना 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अकेले लड़ने की क्षमता है। अपने स्ट्रीट में तेजस्वी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। आरजेडी नेता ने नीतीश पर तो कटाक्ष किया ही है, वहीं बीजेपी के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता से प्यार है, सहयोगियों से नहीं। तभी तो उन्होंने पहले सत्ता के लिए महागठबंधन से हाथ मिलाया और फिर कुर्सी के लिए ही आरजेडी और कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी से गठजोड़ कर लिया। और अब नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए बीजेपी से अलग अपना चुनावी कैंपेन भी शुरू कर दिया है। वैसे तेजस्वी भले ही यहाँ नीतीश कुमार पर बरस रहे हों, मगर उनकी पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पिछले दिनों नीतीश कुमार को अपने साथ आने का न्योता भी दिया था। खैर अब नीतीश आरजेडी में आए या नहीं, मगर बीजेपी के साथ छिड़ी जेडीयू की जंग बताती है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में करीब एक साल का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। वैसे बयानबाजी तो कर्नाटक में भी चल रही है, जिसने जेडीएस की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बात विधायकों की बगावत की है। इसलिए खुद पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, लेकिन अंदर खाने जेडीएस में जबरदस्त खलबली मची है। कर्नाटक में सियासी नाटक खत्म ही नहीं होते। यहाँ दावे कभी भी हकीकत का रूप लेकर किसी की सरकार को हिला सकते हैं, तो कभी किसी की पार्टी को डगमगा सकते हैं। अब ऐसे ही एक दावे ने विपक्षी पार्टी जेडीएस की नींद उड़ा दी है, जिसने पार्टी प्रमुख एचडी देवेगौड़ा को भी परेशान कर दिया। इसलिए तो वो नेताओं के साथ मंथन कर पार्टी को एकजुट रखने का दावा कर रहे हैं। दरअसल अयोग्य ठहराए गए विधायकों में से एक केसी नारायण गौड़ा ने दावा किया है कि कम से कम 20 विधायक जेडीएस छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जीटी देवेगौड़ा और आरएस श्रीनिवास ने भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आलोचना की थी। इसी के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेडीएस एक बार फिर टूट की कगार पर आने वाली है। इन्हीं अटकलों को महज अफवाह बताकर पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने जेडीएस में एकजुटता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आंतरिक कलह के कारण कोई विधायक पार्टी नहीं छोड़ रहा, कोई भी भागने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना कि चामुंडेश्वरी से विधायक जीटी देवेगौड़ा और कृष्णा राजनगर से विधायक महेश के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जीटी देवेगौड़ा ने कभी भी यह नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब एचडी देवेगौड़ा ने दावा तो कर दिया, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी अपने विधायकों के बगावत की वजह से जेडीएस को सत्ता से विपक्ष में आना पड़ा। अब अगर एक बार फिर विधायकों में भगदड़ मची तो पार्टी ही टूट की कगार पर होगी। कर्नाटक में जेडीएस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बगावत से अभी उभरे भी नहीं थे कि दूसरे दस्तक देने को तैयार है। अब देखना होगा कि देवेगौड़ा का दावा पार्टी को टूटने से रोक पाता है या नहीं। वैसे देखना यह भी दिलचस्प होगा कि राजस्थान में कांग्रेस का आरक्षण कार्ड हाथ को कितनी ताकत दे पाता है। जी हाँ, गहलोत सरकार आरक्षण के बहाने राज्य के युवाओं को रिझाने में जुटी है।
अक्सर राजनीतिक दल चुनावी माहौल में आरक्षण का राग अलापते हैं, लेकिन राजस्थान में तो अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी सीएम अशोक गहलोत आरक्षण का कार्ड खेलकर अपनी सरकार को मजबूती देने में जुटे हैं। जी हां, राज्य सरकार प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की तैयारी में है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम और श्रम विभाग से ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि सरकार आरक्षण की योजना को सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, संयुक्त उद्यम समेत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे प्रोजेक्ट में लागू करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनियों को आरक्षण नीति के तहत प्रदेश के 75% युवाओं को ट्रेनिंग भी देनी होगी। आरक्षण नीति पर कदम बढ़ाकर राजस्थान की गहलोत सरकार मध्य प्रदेश की कमलनाथ और आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की राह पर चल पड़ी है। इन दो राज्यों में आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है, जिसका अभी तक विरोध नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में तो अभी आरक्षण की नई नीति लागू भी नहीं हुई कि उससे पहले ही उद्योग संगठन ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में केवल नए उद्योगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने उद्योगों में अभी 50% से ज्यादा बाहरी लोग हैं। अब इस विरोध के बाद अशोक गहलोत सरकार के सामने सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वो राज्य के युवाओं को लुभाते हैं या फिर उद्योग संगठन की बात मानते हैं। कांग्रेस लगातार ऐसे प्लान तैयार कर रही है जिससे उसकी सियासत को धार मिल सके। अब किसान कार्ड के बाद आरक्षण कार्ड भी खेल दिया गया है, लेकिन ये कांग्रेस को कितना आगे ले जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो पूर्व सांसदों का सरकारी बंगलों से मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो नई सरकार के गठन के 100 दिन बीत जाने के बाद भी 82 सांसदों ने घर खाली नहीं किया है, जिसे लेकर अब उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इतना तो कोई किरायेदार भी घर खाली करने में परेशान नहीं करता जितना पूर्व सांसदों ने कर दिया है। संसद की सदस्यता चली गई है, लेकिन बंगले का शौक खत्म नहीं हो रहा। पूर्व सांसद सरकार की तरफ से मिले बंगले को खाली करने को राजी नहीं हो रहे। तभी तो पहले नोटिस पर नोटिस भिजवाए गए, फिर नेताओं को फरमान भिजवाए गए, लेकिन तब भी पूर्व सांसदों ने बंगला खाली नहीं किया, इसलिए अब उन पर कार्रवाई का प्लान तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लुटियन जोन में 82 से ज्यादा पूर्व सांसदों के बंगला न छोड़ने पर लोक आवास अधिनियम के तहत सरकार कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि नियम के अनुसार पूर्व सांसदों को संबंधित बंगला लोकसभा भंग होने के 1 महीने के अंदर खाली करना पड़ता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वीं लोकसभा 25 मई को भंग कर दी थी। इसके बाद 25 जून को सभी पूर्व सांसदों को बंगला खाली करना था, लेकिन कई सांसदों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया, जिसे लेकर सीआर पाटिल के नेतृत्व में लोकसभा आवास समिति ने 19 अगस्त को करीब 200 पूर्व सांसदों को 1 हफ्ते के अंदर बंगला खाली करने का आदेश दिया था, और ऐसा नहीं होने पर 3 दिन के अंदर बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटने का भी आदेश दिया था। सूत्रों ने बताया है कि समिति के आदेश के बाद ज्यादातर पूर्व सांसदों ने आधिकारिक बंगले खाली कर दिए, लेकिन 82 पूर्व सांसदों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया। लोकसभा आवास समिति के सूत्रों के मुताबिक यह स्वीकार्य है और इस तरह के पूर्व सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब अगर पूर्व सांसद बंगला खाली नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मोदी राज में बैंकिंग सेक्टर पर लगे ब्रेक की। किसानों के हालात सुधरेंगे, उनके कर्ज माफ होंगे, इसी दावे के साथ मोदी सरकार दूसरी बार भी देश के सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज माफ होंगे कैसे, क्योंकि देश के आधे से ज्यादा किसान तो अब भी बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े नहीं हैं। जी हाँ, ये हैरान करने वाले आंकड़े किसी निजी संस्था ने नहीं बल्कि खुद RBI ने जारी किए हैं, जो किसानों की स्थिति पर सोचने पर मजबूर करते हैं। जनधन योजना के जरिए मोदी सरकार देश में गरीब लोगों को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने का दावा कर रही है। 1 साल पहले चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सरकार के कामकाज का बखान करते हुए कहा था कि जनधन योजना के लगभग 32 करोड़ बैंक खातों में 72,000 करोड़ रुपए गरीब लोगों के जरिए जमा किए गए हैं। यानी पीएम मोदी की कही बात पर विश्वास करें तो देश में गांव से शहर तक सभी बैंकों से जुड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर RBI के आंकड़ों पर गौर करें तो पीएम मोदी के दावे बेमानी लगते हैं, क्योंकि जिन गरीबों को पीएम मोदी बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने का दावा कर रहे हैं उनमें 60% से भी ज्यादा किसान नहीं है। सुनकर हैरानी जरूर है, लेकिन इन आंकड़ों पर RBI चिंतित है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटर वर्किंग ग्रुप की एग्रीकल्चर क्रेडिट समीक्षा में लाखों छोटे और सीमांत किसानों को बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने को लेकर कई चिंताएं जताई गई हैं। डिप्टी गवर्नर MK जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्तीय समावेशन की कई पहल और योजनाओं के बावजूद सिर्फ 40.90% छोटे और सीमांत किसान ही वित्तीय बैंकों के तहत बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो पाए हैं। वर्किंग ग्रुप के मुताबिक 30% कृषक परिवार अभी भी गैर संस्थागत स्रोतों
स्रोतों से उधार ले रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार देश में छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या 12.563 करोड़ है। इनमें से केवल 5.138 करोड़ खाते ही खुले हैं। ये आंकड़े आज भी कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन की दुर्दशा को दर्शाते हैं। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।